सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प के शेयर के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, डेल्टा कॉर्प के शेयर से रिलेटेड आज से करीब 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस समय शेयर का प्राइस करीब 150 रुपए के आसपास चल रहा था और उस समय मैंने शेयर को खरीदने की सलाह दी थी। और यहां पर आज देख सकते हैं, आज के दिन शेयर में करीब 13% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है और जिस पॉइंट पर मैंने रिकमेंड किया था वहां से करीब 60 रुपए ऊपर शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, बात आती है कि अब तो शेयर बढ़ चुका है, अब इसमें क्या किया जाना चाहिए। अब देखिए, जिन लोगों ने शेयर उस समय खरीदा था यानी जिनको काफी बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, तो वो यहां पर या तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर यहां पर इंतजार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक लेवल है करीब 222 रुपए का लेवल, 220-22 रुपए का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस शेयर के लिए होने वाला है। देखिए, यहां पर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस है 220 रुपए के आसपास। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है तो इस शेयर में एक बार फिर से तूफानी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। और अगला लेवल मैं आपको बता दूं, काफी बेहतरीन करीब 276-275 रुपए का लेवल यहां पर आता हुआ आपको नजर आ सकता है। और अगर थोड़ा और ऊपर जाएं तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल है वो करीब 400 रुपए का लेवल आपको इस शेयर में आता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, ये वीकली चार्ट है तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट एक दो दिन में ही हो जाएगा, आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, करीब 3 से 6 महीने या 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी बढ़िया मूवमेंट आने की संभावना है और जिस पॉइंट पर यह चल रहा है वहाँ से करीब डबल होने की भी संभावना इस शेयर में बन सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि राकेश जुनवाला के पोर्टफोलियो में भी ये शेयर है, तो इसीलिए भी इस शेयर में लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। यहाँ पर आप देखें, एकदम रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखें, बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास है। अब एक दो दिन में या एक दो वीक में इसमें देखना है कि अगर इसमें ब्रेकआउट मिलता है तो निश्चित रूप से ये जो तेजी है ये आपको अगले आने वाले कुछ महीनों में ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर इसमें कंसोलिडेशन होता है तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद इसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि आपको वेट एंड की स्थिति में रहना है। 220 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है और क्लोजिंग देता है तो यहां पर खरीदारी का एक बेहतरीन मौका आपके लिए हो सकता है और जिस किसी ने भी शेयर को पहले से खरीद कर रखा है वो निश्चित रूप से यहां पर होल्ड कर सकते हैं। अगर देखिए उनको बेचने की जल्दी नहीं है तो मेरे हिसाब से शेयर को निश्चित रूप से होल्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि यह काफी बेहतरीन है। और देखिए, जो तेजी है कोई ऐसी वैसी तेजी नहीं है, यह तेजी वॉल्यूम्स के साथ आई है। अगर मैं को देखिए हटा दूं तो यहां पर आप देखें काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि यहां पर वॉल्यूम्स के साथ तेजी बनी है, यानी कि ये जो तेजी है ये टिकाऊ है। ऐसा नहीं है कि आज शेयर बढ़ गया है और कल के दिन धड़ाम से नीचे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप देखें यह तेजी वॉल्यूम्स के साथ आई है और वॉल्यूम्स के साथ जब तेजी आती है तो निश्चित रूप से वो टिकाऊ होती है, काफी दिनों तक उसमें बनी रहती है। तो देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट का आपको इंतज़ार करना है। 220 रुपए के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग होती है आपको स्टॉक को बाई करना है और फिर इसमें लंबी अवधि के लिए बने रहना है। अगर देखिए आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी गिरावट, थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो सकती है। अगर 220 रुपए के ऊपर आप खरीदेंगे तो कन्फर्मेशन एक रहेगा कि भैया हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो देखिए, काफ़ी बढ़िया संभावनाएँ हैं डेल्टा कॉर्पोरेट के शेयर में और यहां पर काफी बढ़िया रिटर्न मिलने की उम्मीद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोरोना के पहले जो गिरावट हुई थी, कोरोना के मतलब जो समय गिरावट हुई थी, उसके बाद शेयर लगातार अप ट्रेंड में बना हुआ है
और यहाँ पर काफ़ी नए नए लेबल्स आते हुए नजर आए हैं। ये जो लेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये अपने बहुत ही अहम लेबल के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है। जैसे ही 220 के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट होता है, आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। जो इसमें पहले से बने हुए हैं होल्ड करें, कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी बढ़िया शेयर है और आगे भी आपको ये तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।